नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे विपक्षी खेमे में काफी हलचल दिख रही है और 2024 को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं महागठबंधन के जो भी सांसद के उम्मीदवार हैं या सांसद हैं, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं एक महागठबंधन के लोगों को डर सता रही है कि मोदी लहर, क्योंकि 2024 में जिस तरह से उनको माहौल है और जिस तरह से बिहार का समीकरण देखा जा रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं और लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से और महागठबंधन में अगर हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम हार सकते हैं, या उनको और कारणों के कारण उनको डर सता रहा है। इसको लेकर अब हड़कंप मच गया है। कुछ ही दिन पहले आपको बता दें, हमने दिखाया भी था, मीना सिंह जो कि बक्सर से के पूर्व सांसद थी और विक्रमगंज की, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ अब खबर आ रही है कि वो मीना सिंह अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगी, और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर काफी खरी खोटी सुनाई। और इसकी पुष्टि करते हुए संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक वाल से क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो आपको जैसे हमने बताया था कि संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है, उस पोस्ट में क्या लिखा है हम आपको अभी पढ़कर सुना रहे हैं। आज लगभग 9 वर्षों के बाद माननीय पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी की से मुलाकात हुई। 2024 में नीतीश जी भाजपा से अलग हुए थे तो हम सभी ने काफ़ी आग्रह उनके भाजपा में आने का किया था। उस वक्त उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि मैं नीतीश कुमार जी को धोखा नहीं दे सकती हूँ। अब जब नीतीश कुमार जी ने पूरे जदयू को धोखा देकर अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए राजद के साथ जा बैठे हैं, तब मुझे यह बताते हुए काफी प्रसन्नता है कि आज मीना सिंह जी भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने जा रही हैं। मीना सिंह जी जैसे जदयू के हजारों कार्यकर्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वप्न में घोटालेबाज परिवार का शरण में जा सकते हैं, पर जदयू का आप आम कार्यकर्ता तेजस्वी और गुलामी का कभी स्वीकार नहीं करेगा। तमाम बातें कहते हुए संजय जायसवाल एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, और इस फेसबुक पोस्ट में पूरा तरह से दिखता है कि जिस तरह से जदयू के खेमे से आने वाले जो भी बड़े नेता हैं, हालांकि उसमें भी कुछ है कि 2024 को लेकर जिन्होंने तैयारी की है या सोच रहे हैं 2024 को लेकर चुनाव लड़ने की, उनमें काफ़ी हलचल है और वो काफ़ी वहाँ से भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही पार्टी अलग बना ली, उसके बाद अब मीना सिंह, तमाम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जदयू छोड़कर अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी कड़ी है, मीना सिंह जो कि नीतीश कुमार जी के काफी करीबी मानी जाती हैं, 2 बार से वो सांसद रही हैं और व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे में जब नीतीश कुमार के जिससे संबंध अच्छे हो और वो इस्तीफा देता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके कारण लोग निराश होकर बीजेपी का रुख कर रहे हैं या किसी अन्य दल का कर रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए साथ बन रहे हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।